नमस्कार, तो क्या हाल चाल है जी दोस्तों। आज हम लोग अच्छे वापस से एक और नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग खेल रहे हैं CS रैंक। यहाँ पर हमारा पहला राउंड खुल चुका है। पहले राउंड में हम लोग ले लेते हैं WSP। आज मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर कम करूंगा। मैं सबसे आगे आ जाता हूँ और आगे बंदा होता है। एक बंदे का मैंने बहुत सारा डैमेज दिया, लेकिन वो कवर में चला गया था। दूसरे बंदे को भी मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो मेरे को एम्पायर 500 से। और दूसरा बंदा भी आता है, वो भी मारने लगता है। तब एक बंदा मेरे को पीछे से M500 से नॉक करके ये ख़त्म कर देता है। और ये हमारा इस बंदे का नेटवर्क बहुत सारा गया है। तो मारेगा क्या सबको? मर जा जाके जा। यहाँ पर हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है। सेकंड राउंड में मैं ले लेता हूँ डेजर्ट ईगल। मैंने ये वीडियो में थोड़ा सा भी स्किप नहीं किया है। पूरा का पूरा राउंड है ले लिया है इस वीडियो में मैंने। ये राउंड जैसे खुलता है मैं वैसे यहाँ पर ड्रॉप के पास आ जाता हूँ। यहाँ पर ड्रॉप गिरता है ना, वहीं पर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद यहाँ पर एक ड्रॉप गिरता है। तो मैं ड्रॉप लूटता हूँ। ड्रॉप में से मेरे को M41X मिल जाता है। तो ये तरफ एक ऊपर बंदा होता है और एक रास्ते से जा रहा था, उस बंदे को M41 से नॉक कर देता हूँ। और एक बंदे ने मेरे को डेजर्ट ईगल से थोड़ा सा डैमेज दे दिया है। थैंक्स। मैं जिसका मैंने नॉक किया था उसका मैंने पूरा खत्म कर दिया। पर वाले बंदे को मैं मारने को कोशिश करता हूँ, लेकिन उस पर एम ही नहीं आ रहा था। एनिमी स्पॉटेड। आगे एक नीचे बंदा होता है। एक बंदे को मेरा टीममेट नॉक कर देता है और नीचे वाला बंदा मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। तो मैं उस पर रश कर देता हूँ और इसको मैं M41 से पूरा भी कर देता हूँ ख़त्म भी। इसके पास से मेरे को ये मिली वेपन मिल जाता है और एक ग्लूवल मिल जाता है। इस राउंड में मैं भूल जाता हूँ कि कुछ शॉर्ट रेंज का भी गन लेना है। तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं लेता इस राउंड में, सिर्फ हेलमेट वेस्ट लेता हूँ। ये राउंड जैसे ही खुलता है वैसे ही मैं सीढ़ियों के पास आ जाता हूँ। और नीचे की तरफ दो बंदे गए हैं, उसमें से एक बंदे को डैमेज देने की कोशिश करता है, लेकिन डैमेज नहीं लगता। वो मेरे को डैमेज दे देता है। तो मैं मेडिकेट मारने के बाद ऊपर थोड़ा सा देखने आ जाता हूँ और फिर वापस से नीचे की तरफ आ जाता हूँ। हमारा टीममेट दो बंदे को नॉक कर देता है। तो मैं यहाँ पर नीचे कूद जाता हूँ और फिर ग्रेनेड एक को करता हूँ वहाँ पर। वो ग्रेनेड से एक बंदा नॉक हो जाता है। एक एवेंटर वाला बंदा था जिसको मैंने दिखाई नहीं था और उसने मेरे को दिखा भी नहीं था। तो मैंने इसको एमिटेड
M4A1 वाले के M4A1 के हेडशॉट से खत्म कर दिया। इस राउंड में हम लोग हेलमेट नहीं लेते यार, वेस्ट और मशरूम लेते खत्म कर देते हैं। इस राउंड में भी कुछ नहीं लेते ज्यादा। ये राउंड जैसे ही खुलता है हम लोग इस तरफ से ऊपर की तरफ आ जाते हैं क्लॉक टावर के। मैं यहाँ पर आता हूँ और मेरे टीममेट फाइट लेने लगता है तो मैं उसकी मदद करने के लिए आगे की तरफ चला जाता हूँ। यहाँ पर हम लोग ये ग्रेनेड कुक करता है तो मैं भी कुक करना चाहता था लेकिन मैंने नहीं किया, तो फिर मैं ये आगे रश कर देता है। तो मैं यहाँ पर ग्रेनेड कुक करके उसको बहुत सारा डैमेज देता हूँ और फिर 28 का डैमेज देके ऊपर से मैं कर देता हूँ उस बंदे को। मतलब पीछे से फायर कर रहा था तो मैं वहाँ पर ग्लोव डालने के बाद उस पर रश कर देता हूँ। M4 से उसको भी नॉक कर देता हूँ, मेटेड सन की गोली दो मार के। फिर M4 से उसको नॉक कर दिया और हमारे एक टीममेट ने उनके आखिरी बंदे को भी ख़त्म कर दिया। इस राउंड में मैं ले लेता हूँ UMP M4 के बदले में ले रहा हूँ। मैं हम लोग आगे इस तरफ से आगे आ जाता है, नहीं इस तरफ से रास्ते की तरफ से मैं आगे जाते हैं। हम दो बंदे दो मिलके आगे बंदा होता है जिसको मैं डैमेज देने की कोशिश करता हूँ लेकिन पूरी की पूरी गोलियाँ दीवार पर लग जाते हैं। और एक बंदे को मैंने बहुत सारा डैमेज दे दिया है, उसने भी मेरे को डैमेज दिया है लेकिन पीछे वाले बंदे ने हमारे टीममेट को नॉक कर दिया और पूरा फिर पूरा ख़त्म भी कर दिया। मैं उसको यहाँ से देखने की कोशिश करता लेकिन वो नहीं दिखता तो मैं इस तरफ आ जाता वापस से पीछे की तरफ। यहाँ से फिर मैं हमारे दो नंबर वाले टीममेट के पास, नहीं एक नंबर वाले के पास जाता हूँ। आगे एक बंदा आ जाता है जिसको मैं UMP के बहुत सारे डैमेज के बाद M87 से नॉक कर देता हूँ। और अब एक आखिरी बंदा बचा हुआ है। Thanks. हमारे यहाँ पर किल भी आ चुका है ये वाला। हमको पता नहीं होता है कि वो बंदा आखिरी वाला कहाँ पर है तो हम यहाँ पर थोड़ा सा कैंप जैसा करते हैं क्योंकि ये आखिरी राउंड है, हम जीत जाएंगे, जीत गए तो अच्छा है ऐसा सोच रहे थे। तो थोड़ा सा हम कैंप करके उसको ढूंढते हैं और फिर मेरे टीममेट को आगे की तरफ दिख भी जाता है तो मैं आगे रस कर देता हूँ इसके ऊपर वो कॉन्ग बन के। मैं चिट गिल के एक मार दो ग्लोरी मारता हूँ और फिर UMP से इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो इसी के साथ हो जाता है हमारा अबूया। हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन लेटर।